हम नाथूराम का विरोध करते हैं, राम जी का विरोध नहीं करते। तो बिहार के लोग हैं, बिहार के लोग हर बात को बखूबी समझते हैं। बिहार के लोगों को बहलाने की कोशिश नहीं करे भाजपा, जो वो प्रभु श्री राम के नाम पे नाथूराम की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं उसको हम समझते हैं। और धर्म के नाम पर जो इस देश का लोगों का रोजगार और धंधा पानी लूटा जा रहा है ना, ये खेल समझने का जरूरत है। एक बात स्पष्ट जान लीजिए, कांग्रेस पार्टी किसी भी धर्म का विरोध नहीं करती है। हम सब सर्व धर्म संभाव में भरोसा करते हैं और इसीलिए संविधान में एक बात लिखी हुई प्रस्तावना में, सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, तो किसी धर्म का विरोध करने का तो सवाल ही नहीं है। और ये तो गांधी की पार्टी है ना, गांधी मरते दम तक भी उनके मुंह से राम का नाम निकला था। हम नाथूराम का विरोध करते हैं, राम जी का विरोध नहीं करते। ये बात बार बार गलत तरीके से प्रचारित की जा रही है। और एक बात जान लीजिए, बिहार का बच्चा बच्चा यह जानता है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, कणकण में ईश्वर का वास होता है। यहीं पे आपको गोनू झा का कहावत सुनने को मिला है ना, क्या कहते हैं वो कि यत्र हरि तत्र हरि, तो मुदा वहां के कपार पर है ना, मिथिला में कहावत, बोलिए मिथिला में कहावत है। तो बिहार के लोग हैं, बिहार के लोग हर बात को बखूबी समझते हैं, क्योंकि जैन धर्म का केंद्र भी बिहार, बुद्ध धर्म का केंद्र भी बिहार, सिख धर्म का केंद्र भी बिहार, हिंदू धर्म का केंद्र भी बिहार। और आप तो शेर शाह सूरी के इलाके से हैं, शेर दिल जो है वो राजा था, यहाँ से जाकर के दिल्ली तक की चढ़ाई की, सबसे लंबा सड़क बनाया ग्रैंड ट्रंक रोड। तो बिहार के लोगों को बहलाने की कोशिश नहीं करे भाजपा, जो वो प्रभु श्री राम के नाम पे नाथूराम की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं उसको हम समझते हैं। और जान लीजिए, हम सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक निमंत्रण को आग्रह पूर्वक अस्वीकार किए, निमंत्रण को मंदिर जाने से अस्वीकार नहीं किए हैं। और उसी दिन राहुल जी मंदिर जाना चाह रहे थे, पुलिस बल लगा करके बीजेपी के मुख्यमंत्री ने उनको रोकने का प्रयास किया। धर्म के नाम पर जो इस देश का लोगों का रोजगार और धंधा पानी लूटा जा रहा है ना, ये खेल समझने का जरूरत है। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो की नीति से हमको बचना पड़ेगा और इकट्ठा होकर के न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा।